बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे जी। ये जिनकी हमारे घर के पीछे जिनकी जमीन है, मतलब वो चौधरी है जी, तो उनकी शादी है आज, मतलब आज से उनकी शादी स्टार्ट है माशाल्लाह। तो वो लोग भी मेरी शादी पे आए थे जी, और शादी से एक दिन पहले आए थे, मिठाई वगैरह दे के गए थे, पैसे वगैरह दे के गए थे। तो भाई आपको पता है, फिर हमसायों के साथ बना के रखने चाहिए और उनके साथ लेन देन भी अच्छा होना चाहिए। तो अभी जी, क्योंकि अभी उनकी शादी स्टार्ट है जी, मेरी 2 महीने पहले गुजरी, अभी उनकी शादी स्टार्ट है, तो अब हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि भाई हम भी उसकी शादी पे जाएं और मिठाई वगैरह लेके जाएं। ये रहे पैसे, कज़न को स्पेशल भेज रहा हूँ चौक पे, ये पकड़ो जी, 1 kg मिठाई लेके अभी आओ, अभी यूं यूं यूं, ठीक है जी। अब सीन यह है, क्योंकि अभी तो अम्मी जान जाएंगे, अम्मी जान और दादी जान जाएंगे, मिठाई वगैरह दे के आ जाएंगी, लेकिन कल बारात है, परसों वलीमा, तो हम फिर इंशाल्लाह वलीमा पे जाएंगे इंशाल्लाह। और आप लोग मौसम चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, आज सारा दिन मौसम ऐसी था, ऊपर बादल हैं जी, कोई धूप नहीं निकली है सारा दिन, ये देख रहे हैं जी बादल हैं ऊपर माशाल्लाह। खैर, इधर जब वो चाचू जान जो है वो जंतर लेके आ रहे हैं जी, जंतर काटा है मेरे ख्याल में, जो बकरे हैं कुछ शीप हैं मेरे ख्याल में, उनके लिए जंतर काट के आ रहे हैं। सोने ओ शक्ल दिखा दो, आए हाय, क्या हाल है? ठीक हो? खुश हो? जम्मा है, जल्दी आ गए वे जी। हां चलो, ये जंतर कभी बदले जी? हां चलो जी, आपके सामने जी सारा सामान जी मैं ले आया हूं, ये किस लिए ले आया हूं आज जी? भाभी जान जी बना। हाँ जी भाई, ये जो गिज़ा है ना, ये स्पेशल इन छोटे छोटे जानवरों के लिए है, जो ये छोटे जानवर होते हैं, शीप हो गई, वो छोटी बकरी हो गई, तो ये जो चारा है ना, ये इनके लिए है, इसको हम अपनी जबान में बोलते हैं जंतर। अस्सलाम वालेकुम। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं, जंतर को हमने बांध दिया हुआ, ठीक है, और ये 2 शीप जो हैं छतरे, ये खा रहे हैं मदद से, हम इनको ऊपर बांध देते हैं ताकि ये नीचे ख़राब ना हो जाए। तो खैर, ये इनकी बारी। और यहाँ पे सब्जियाँ उगाई थी ना मैंने, आप लोगों को बताया, तो आप लोगों को ज़रा मैं सब्जियाँ दिखा देता हूँ। भिंडियाँ लगी हुई हैं यहाँ पर, वैसे तो ख़त्म हो गई हैं, थोड़ी थोड़ी हैं जो भाई अभी भी मौजूद हैं, वैसे भिंडियाँ हमारे पास बिल्कुल ख़त्म हो गई। यहाँ पे कद्दू यहाँ पे लग जाते हैं कभी कभी, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर भिंडियाँ होती हैं, ये देखें जी, ये देखें माशाल्लाह, यहाँ पर थोड़ी बहुत भिंडियाँ, वैसे ज़्यादा हैं नहीं, यहाँ पे देख रहे हैं बिल्कुल वैरान सी हो गई हर चीज़। अभी जी पहुँच चुका हूँ मैं अपने छोटे किचन में, मतलब एक गर्मी वाला बाहर किचन होता है जिसमें मैं से छोटे से दीवार दे देते हैं, एक बड़ा किचन होता है अंदर जो सर्दियों के काम आता है। खैर, वो गर्मी भी यूज़ हो सकता है, ऐसी बात नहीं। तो खैर, अभी अम्मी जान जब वो सब्जी बना रही है जी, ये देखें जी अम्मी जान, ये कद्दू या तूरी है अम्मी? अच्छा तूरी भाई, तूरियों की सब्जी, तूरियां कहेंगे उसको, वेजिटेबल। कल एक कमेंट भी आया था कि भाई आप वेजिटेबल नहीं खाते, मतलब जब देखो चिकन, जब देखो चिकन, जब देखो चिकन, तो भाई ऐसा है कि वेजिटेबल भी खाते हैं यार, ऐसी बात नहीं है, हम वेजिटेरियन भी हैं। तो क्या है कि अब ऐसा भी नहीं कि भाई हर बार हम गोश्त खा रहे हैं, मुर्गी खा रहे हैं, तो मुर्गी वैसे भी नुकसान दे, हम कोशिश करते हैं हम ज्यादा मुर्गी नहीं खाते क्योंकि नुकसान दे फार्म ही होती है, तो सब्जी भी बना लेते हैं अक्सर। हाँ जी भाई, इट्स सेकंड डे एंड अच्छा भाई, अभी तैयारी करके खड़े हुए जी, आज बेगम साहब और मैं जा रहे हैं जी, एक तो शॉपिंग करनी है, अभी थोड़ा बहुत सामान लेना है, बेगम साहब ने कहा कि भाई मुझे शॉपिंग करवाएं, तो अभी एक तो बाज़ार जा रहे हैं जी शॉपिंग करनी है, उसके अलावा थोड़ा सा ससुराल काम भी है, वो भी करना है, तो वहाँ पर जाएँगे तो कोई मेरे ख्याल में 1 घंटे के लिए, बस 1 घंटे के लिए पहले वहाँ पर जाएँगे, उसके बाद हम बाज़ार से होते हुए इंशाल्लाह फिर घर आएँगे। तो अभी हम सीधा आप लोगों को मिलेंगे सीधा बाज़ार ही, ठीक है। अच्छा जी, हम पहुंच चुके हैं फाइनली शॉप पे, ठीक है जी, यहाँ पे देख सकते हैं जी, और ये हमारे प्यारे भाई हैं, हमेशा हम इनके पास जाते हैं ड्रेस लेने के लिए, कोई भी हमें चीज़ लेनी हो तो यहाँ से भाई कोई ड्रेस वगैरह आप पसंद करते हैं कोई? ये रहा जी, भाई ने पहला सूट की पता कर दी है, ठीक है, अब देखते हैं कितने ऐसे खुलते जाते हैं। नॉर्मली होता तो ये है कि भाई यहाँ पर कपड़ों के वो बहुत सारे हो जाते हैं, फिर भी पसंद नहीं आता लेडीज़ को, अक्सर ऐसा होता है। तो खैर, पहला ये सूट ओपन हो गया माशाल्लाह, ये सही है, ये डार्क कलर में है या लाइट में है? ब्लू में आ गया जी, ब्लू है या फिरोजी, ये कौन सा कलर है? ये पर्पल है ना, हाँ ब्लू तो ये होने, सॉरी, माशाल्लाह जी माशाल्लाह माशाल्लाह, ये भी प्यारा है, ये मेरी दिखा दो, फिलहाल खोलो ना सारा, ये मेरी दिखा दो, ऐसे दिखा दें 3-4 पसंद आ गया तो ले लेंगे। ये देखें जी भाई, सारे निकलवाते नहीं है जी, सारे नहीं खुलवाते, ऐसे अगर कोई पसंद आ जाता तो उसको खुलवाएंगे माशाल्लाह। ये भी ठीक है जी, ब्लू, ये ब्लैक में है, एंड ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, यहाँ पे तो बहुत प्यारे लगते हैं ये प्रिंट पे,
ये हो गया जी, ये भी प्यारा माशाल्लाह। भाई आप लोग बताएं इनमें से कौन सा प्यारा है जी, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला कुछ है, ये वाला भी कुछ है, एंड ये वाला भी सही लगा ब्लैक में जो है ना। ये देख रहे हैं माशाल्लाह इसका काम अच्छा किया हुआ है। तो ये खुलवा रहे हैं, ये वो खुला है, गोल्डन गोल्डन कलर में, वहाँ पे जो ऊपर डिज़ाइन वगैरह हैं प्रिंटेड है, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई साहब प्यारा ये सूट। एंड ये रहा जी इसका दुपट्टा, इसमें रेड शेड भी है भाई साहब, बॉर्डर पे रेड शेड दिया हुआ है। ये सूती है, चलो भाई देखते हैं यहाँ से कौन सा पसंद आता है कौन सा नहीं आता, जो भी आता है तो फिर आप लोगों को फाइनल करके बताते हैं। भाई साहब फाइनली काफ़ी सारा देखने के बाद और काफ़ी टाइम लगाने के बाद कोई ना कोई सूट पसंद आ चुका है जी, वही जो हमने पहले खुलवाया था, जो ब्लैक में था और उस पर गोल्डन कलर में डिज़ाइनिंग थी, वही हमें पसंद आ गया जी। ये देखें जो उसका प्रिंट, माशाल्लाह आप लोगों ने चेक करके बताना है ये कैसा है, और यही हमने फाइनल कर दिया। बाकी यहाँ पे पड़ोंगे काफ़ी सारे लगे हैं, इनमें से कोई ख़ास नहीं लगे सारे, ये जो अभी भी ओपन है ये वाला जो है ये काफ़ी प्यारा लगा हमें माशाल्लाह। अच्छा भाई एक तो वो हमें ब्लैक वाला पसंद आ गया था, उसके अलावा एक हमने लिया रेडीमेड में जी, ठीक है ये रहा जी, ये कुछ इस टाइप का कलर है, स्किन कलर शायद होगा, स्किन कलर देखो कहते हैं ये वाला, इस पर डिज़ाइनिंग है माशाल्लाह, ये रेडीमेड है, हमने ये वाला परचेज़ किया। तो हमने दो किए माशाल्लाह, एक वो ब्लैक वाला है एंड एक ये स्किन कलर वाला। तो अभी चलते हैं जी, काफ़ी टाइम यहाँ पे हो गया, इसके अलावा और भी भाई काफ़ी सारे काम करने हैं। भाई साहब माशाल्लाह माशाल्लाह, जैसे ही हम घर आए तो भाई फिरोज भाई आए हुए हैं, ये रहे जी उनकी गड्डी, क्योंकि भाई भाई के घरों का काम हो रहा है जी, वहाँ पे सीलिंग लग रही है, तो भाई फिरोज भाई यहीं पे होते हैं, जब आते हैं तो फिर बच्चे भी साथ लेके आते हैं, भाभी भी बच्चे भी, क्योंकि वहाँ फिर अकेले हो जाते हैं, फिरोज भाई सारा दिन यहीं पे होते हैं मिस्त्री भाई के पास। तो मतलब भाई के घरों का काम फिर से स्टार्ट हो गया जी, मार्बल भी लगनी है, ये काम खत्म हो गया तो फिर मार्बल, मार्बल के पास फिर दरवाजे। ये रही थी, ये रही भाई मेरे पास, हानी आ चुके जी, हानी यहाँ कैसी हो? हानिया मुझे ये बताओ, पहले तो मुझे मिलो, पहले ये बताओ आपकी, आप यहाँ पे क्या करने आई हो हैं? आप यहाँ पे क्या करने आई हो? मैं आ गई पे। अच्छा तो मैं चेकर लो चार्ज। अच्छा अम्मी कह रही है? हाँ। फिर आपने क्या कहा, आप जाओगे कि नहीं? नहीं कह रही है कि अम्मी पूछ रही है आप जाओगे कि नहीं वापस, क्योंकि कभी कभार हानिया हमारे पास भी रह जाती है, तो आप यहीं पर रह जाओ, ठीक है? आप यहीं पर रह जाओ, ठीक है? आप यहीं पर रह जाओगी हमारे पास, कल चले जाना, ठीक है? ठीक है। भाई ये रही उसकी सहेली बिस्मा, तो दोनों पहले तो इकट्ठे होते थे सारा दिन, लेकिन जब से वो गई है ना तो ये बेचारी अकेली हो गई है, पहले सारा दिन इकट्ठे खेलती थी भाई, दिन रात इकट्ठे होते थे। एंड ये रहे जी भाई, हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक है? कैसे हैं? ठीक ठाक। मुझे लग रहा है कि आप वो देख रहे हैं, कोई छत छत देख रहे हैं, सीलिंग सुना है, घर का काम कहाँ तक पहुँचा है, लग रही है छत लग रही है, लग गई आज एक एक लग गई है। अच्छा पूरे घर में लगवा रहे हैं या? फिलहाल तो यही मूड है कि पूरे घर में लगाऊंगा, बाकी होने चाहिए पूरे घर में होने चाहिए सीलिंग, वैसे सीलिंग का तो एक अलग ही बहुत है। तो कौन सा भी जो एक लग गया वो कौन सी लगे, कोई डिजाइन है आपके पास? डेमो तो होंगे भाई साहब, हाँ कौन सी है? इधर था कहीं पे, ये लगी है, कौन सी वाली? अच्छा ये वाली है माशाल्लाह, ये कहाँ पे लगी है, बेडरूम में या उसमें? ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम में लगी है, ये सीलिंग है जी माशाल्लाह, ये डिज़ाइन है जी, डिज़ाइन तो बहुत प्यारा है, इसमें रूप लाइट भी है सारा कुछ। अच्छा ये हर कमरे का डिफरेंट डिज़ाइन होगा, सब का डिफरेंट, हर कमरे का डिफरेंट डिज़ाइन के साथ इंशाल्लाह, बड़ी सही भाई मतलब इनके पास देखें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं और दिए थे, ये भी प्यारी है, ये भी प्यारी है, हाँ जी बहुत सारे ऑप्शन, लेकिन फिलहाल तक ये सेलेक्ट की है ड्राइंग रूम के लिए, तो ये लगवा रहे हैं, बाकी और भी बहुत सारी हैं, ये भी प्यारी है, देखें ये वाली प्यारी है सारी माशाल्लाह, ये रूम के लिए लगवाएंगे, हाँ ये रूम के लिए सीना चाहिए, देखने में सारी प्यारी लगती हैं, ये तो बात है, देखते हैं बारह जो प्यारी लगी वही लगवाएंगे, लेकिन अभी कल एक रूम तो कंप्लीट हो जाएगा, फिर कल दूसरे रूम की तरफ जाएंगे वो।
एक एक कमरे पे कितना टाइम लग रहा है? दो दिन लग रहे हैं। चलो सही, माशाल्लाह। आज आए हैं, कल कंप्लीट करेंगे। अच्छा, आज हाफ कर गए हैं। चलो सही, सारी कंप्लीट है। मुझे लगता है अब आप काम मुकम्मल करवा के छोड़ेंगे घर का। जहाँ तक होता है मुकम्मल, तो मुकम्मल तो फिर भी मुश्किल से हो गया ना। मुकम्मल हो गया तो हो गया, ना हुआ तो फिर अल्लाह का फैसला। हाँ, इंशाल्लाह। बस ये है कि जहाँ तक होता है, चलो अपना घर है, बन रहा है घर तो बनते रहते हैं भाई। एंड तक यहीं पे शिफ्ट होना ना, शिफ्टिंग जल्दी करनी है, बस ये मसला है, शिफ्टिंग करनी इधर। तो खैर भाई, यही था। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह भाई का घर जल्दी बन जाएगा। बस कोशिश है कि जल्दी से जल्दी शिफ्टिंग करें यहाँ पे, क्योंकि शहर में बैठे हैं तो ऐसा लग रहा है कि शहर सिटी में एडजस्ट नहीं हो रहे भाई। क्योंकि दो ढाई महीने हो गए मेरे ख्याल में, शायद 2 महीने हो गए वहाँ पे। तो बच्चे तंग करते हैं, क्योंकि बच्चे अकेले होते हैं, अब्बू अम्मी डेली जाते हैं वहाँ पे, तो सफ़र भी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे होंगे तो भाई एक मिनट का सारा रास्ता है, तो हर बंदा चक्कर लगा सकता है। तो खैर, आज की वीडियो को यहीं पेंट करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आप लोगों से कल एक ताज़ा और फ्रेश वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।